नीचे तो अंधेरा है। सवा तीन हो गया। बाकी सब तो ठीक है, ये एग्जॉस्ट किसने ऑन किया हुआ है, क्योंकि अभी तक पापा भी नहीं उठे, मामा भी नहीं उठी है। ये वाला एग्जॉस्ट भी चल रहा है, आई डोंट नो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज मेरी बाप कबल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी दोस्त से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, आज है डे टू ऑफ रमज़ान, तो आज का दिन शुरू करते हैं, सहरी से शुरू करेंगे और इफ्तार पे एंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी सहरी का टाइम हुआ है, लेकिन अभी बस मैं उठ कर नीचे आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश भी लग रही हूँ, है ना, कमेंट में बताएगा, क्योंकि अगर फ्रेश फ्रेश होकर आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना तो वाइब भी अलग आती है। तो यस, अभी बाकी लोग उठते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उठेंगे वो अपने, फिर फ्रेश होंगे, फिर नीचे आएंगे और फिर हम लोग सहरी बनाएंगे। तो जो काम मेरे से भी होता है ना, तब तक मैं वो कर लेती हूँ, जैसे कि अपना शेक बना लूँगी और ऑमलेट बना लूँगी या कुछ इस तरह से देखती हूँ, या कुछ अगर लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है तो उससे कुछ अगर बन सकता है तो वो देख लेती हूँ। तो या और मैं इतना आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी अंदर मामा पापा सो रहे हैं, मतलब सेमी स्लीप है, मतलब जाग भी हैं सो भी हैं, मम्मा आ गई है। और आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ कि इस टाइम आवाज़ बहुत ज़्यादा इको करती है। मामा, ये एग्जॉस्ट आपने ऑन किया है? नहीं, मैं नीचे आई थी, एग्जॉस्ट दोनों ऑन थे, किचन वाले ऑन आपने किया पापा? अच्छा, मुझे गैस की स्मेल ऊपर भी आ रही थी, मुझे लगा बाहर चूल्हा ऑन था। अच्छा, गैस ऑन थी गाइस, मैं खिड़कियां भी खोल देती हूँ। आज फिर मैं सबसे पहले उठ गई हूँ और बाकी सब अभी सो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी उठेंगे, फिर वो नमाज़ पढ़ेंगे तहज्जुद की, उसके बाद फिर सहरी की तरफ सारे आएंगे। तो मैं तो अपने सारे काम करके आ गई हूँ और मैं आज काफ़ी फ्रेश भी लग रही हूँ, इधर मैंने दुपट्टे के शेड वो पहनी हुई ना, इससे मुझे फ्रेशनेस आ रही है। तो चलिए तैयारियाँ मैं भी शुरू करती हूँ, तब तक मम्मा भी मुझे ज्वाइन कर लेंगी। जो स्ट्रॉबेरी मैंने यूज़ कर रही हूँ ना, वो फ्रीज थी, तो मैंने अभी इसलिए ना मिल्क में ऐड करके रख दिया है, 5 मिनट्स के बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी, इसका शेक बनाऊँगी, अभी नहीं बना रही, तब तक इसकी आइस मेल्ट हो जाएगी। 5 मिनट्स लेटर। तो गाइस, प्याज काटते हुए मुझे थोड़ा सा कट लग गया, लेकिन कट गया प्याज, तो ये सब होता रहता है, चलता रहता है। प्याज ऐड करती है, अब ऑयल ऐड करते हैं। अभी मैं दोबारा से ऊपर आई हूँ और ढोलकपुर के वासियों को जगाते हैं, सब सो रहे हैं। उठ जाओ किस्मा, टाइम क्या हुआ है? इट्स 3:45। बिस्मा को भी उठाओ, मैंने लास्ट चेक करी है, मैंने वापस नहीं आना, बिस्मा उठ जाओ। और अभी मैं आई हूँ अपनी रूममेट को उठाने, मतलब आपी को, तो आपी को उठाते हैं, बाइक उठाते हैं, फिर नीचे वापस जाऊँगी। और यहाँ पे ऑमलेट के लिए प्याज को सौते करना है, तो वो करती हूँ। सारी हमारी हो गई है, अब फजर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मैं सो जाऊंगी और आपसे मिलूंगी सुबह के टाइम। 6.5 hours later। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, और हो गया है टाइम अराउंड 1:30 PM, और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी, मैंने नमाज पढ़ ली और अब मैं फ्री हूँ। अब मैं नीचे जाऊंगी, मामा से पूछूंगी कि क्या बनाना है इफ्तार में, और तैयारी शैरी करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ, इतना मजे का मौसम है, बारिश हो रही थी। चले नीचे चलते हैं और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम,
मामा कहाँ है? अभी भी हवा चल रही है माशाल्लाह, इतना अच्छा मौसम हो गया है गाइस। कुछ डेज पहले मैंने आपको ये ट्री दिखाया था, इस पर बिल्कुल लीव्स नहीं थे, लेकिन अब देखें दोबारा से लीव्स आ गए हैं और सारे बहुत फ्रेश लीव्स हैं। और ये देखें, यह शहतूत का दरख्त, इसकी इंग्लिश मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन सारे इसको शहतूत कहते हैं। पहले डिसाइड कर लो बनाना क्या है। अभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि आज स्टार्ट में क्या बनेगा। तो गाइस सीन कुछ ये है कि हमारी गैस जो है वो उड़ गई है, खत्म हो गई है, मतलब गैस चली गई है। आज का इफ्तार मैंने थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया हमने, अगर गैस बीच में आ गई तो फिर देख लेंगे कि एडिशन कर लेंगे कुछ डिशेज का, वरना फिर हम लोग जो डिसाइड किया वही। अब मैं किचन में जा रही हूँ, प्रेपरेशन करते हैं, आपको दिखाती रहूँगी कि हम लोग क्या बना रहे हैं। कहाँ से लेके आए हो आप? यहाँ पे ब्रेड पिज़्ज़ा कुछ करके समथिंग बनने लगा है, आप ही बनाने लगी है, तो जैसे ही आप ही बनाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैक्रोनीज मैंने बना ली हैं, बहुत ही स्पाइसी सी। तुमसे नहीं खुल रहा, नया ये, रुको जरा लाओ मैं करूँ। आई थिंक तो सील पैक तो नहीं है कहीं, थोड़ा जोर लगाओ। आई थिंक सील पैक है ये बाजी, नाइफ के साथ हो रहा है। यहाँ पे आप ही बना रही है, ये टिक्का है, चिकन टिक्का डाला ना? नो, चिकन टिक्का वाले ये दो है आपके स्पेशल, ये फजीता है, वो टिक्का है। अच्छा हाँ जी नहीं की बनाया था आप ही ने टिक्का को, आप ही को सुनाई दिया कि फजीता बोल रही हूँ। यू नो रोज रोजा लग रहा है आप ही को, बहुत ज्यादा लग रहा है। चीज लाओ मैं खोलो इसको। अच्छा जी, यहाँ पर अब कोशिश की जा रही है फ्रॉम बाय रुबाब, फ्रॉम मैंने तुम्हें ये सारे खिलाने हैं, मेरी रेसिपी फेल हुई तो नहीं होती। स्प्रिंकल सम ऑर्गेनो एज वेल इसके ऊपर से, ऑफ कोर्स आई विल। अरे बहना, ये मैंने रुबाब ने पहली बार कोई चीज को खोला है? नहीं जी, बोला रख के भी ताकतवर हूँ, मैंने खोला आप लोगों से नहीं खोली। चलो करो काम, चार पराठे खाओ दो नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, एक खाया मैंने, एक दिन बनाई। सो गाइस, हियर वी आर डूइंग असेंबलिंग ऑफ आवर बर्गर पिज़्ज़ास, इट्स पिज़्ज़ा ब्रेड, it's not pizza bread. She is putting some capsicum, so I don't know much about this minerals and carbohydrates part because it's not my domain. What's the next step? Oregano and okay, jalapeno. So guys, she's gonna sprinkle some oreganos. You can also add mixed herbs. पाइनएप्पल जूस का ना मुझे देना जग।
यहीं रख दो साइड पे, थैंक यू। अपना गुलाब का ग्लास पकड़ लो। सो हियर एवरीबॉडी इज ईटिंग डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड। सारे बर्गर उसने अपने पास रखे हुए हैं, एक दिया दो इधर। सो गाइस, ये था मेरा आज का दिन, रमजान डे 2। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी मैं अपनी चाय बनाऊंगी और अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगी। आपसे मिलूंगी मैं अपने कल की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।